फुलवारी शरीफ में किए गए किसानों के चक्का जाम के आह्वान पर महागठबंधन के घटक दलों द्वारा दिन के 2 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का जबरदस्त असर देखने को मिला। आपको बताते चले कि फुलवारी शरीफ के स्थानीय भाकपा माले विधायक कॉमरेड गोपाल रविदास की अगुवाई में महागठबंधन के समस्त गठबंधन राजद कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस आदि पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस चक्का जाम को सफल बनाया। इस चक्का जाम प्रदर्शन में राजद नेता सलाहुद्दीन मंसूरी, कौसर खान, ध्रुव यादव, अशोक यादव समस्त महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। Oh, geez.
पिछले दिनों किसानों पर बर्बर दमन किया गया, मारा पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। किसानों को कहा गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है कि भाजपा और संघ परिवार के लोग जो किसानों का जो व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से 3 कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन जो चल रहा था पिछले दिनों नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के इशारे पर, संघ परिवार के इशारे पर बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसका आज पूरे देश भर में किसान चक्का जाम के माध्यम से तमाम महागठबंधन की ताकत बिहार में हम लोग एकताबद्ध तरीके से भाकपा माले राजद कांग्रेस सीपीआई सीपीएम सभी महागठबंधन की ताकतें एकताबद्ध होकर किसानों के पक्ष में कूद पड़े हैं। अगर ये कृषि काला कानून नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेते हैं तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बिहार में हम बाध्य होंगे।